दिस वीडियो इज रिलेटेड अबाउट द फ्रोन फॉर डायफ्रेक्शन ड्यू टू टू स्लिट्स. सिंगल स्लिट के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम फ्रोन फॉर डायफ्रेक्शन देखेंगे टू स्लिट्स के लिए. तो हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास ए बी और सी डी दो सिंगल स्लिट हैं जिनकी विड्थ है ए, और इन दोनों के बीच में जो ये ओपेक्यू पोर्शन है बी सी, इसकी विड्थ है आपकी बी. तो दोनों स्लिट्स के जो कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं ए और सी, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ गई आपकी वो क्या आ गई, ए प्लस बी. ठीक है, आप देखिए हम सिंगल स्लिट के लिए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फ्रोन पर डायफ्रेक्शन. तो यहाँ पे डबल स्लिट है वो कॉम्बिनेशन है टू सिंगल स्लिट्स का. तो यहाँ पे जो ये आपकी दो सिंगल स्लिट हैं ए बी और सी डी, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट का काम करेंगे यहाँ पे, है ना. तो हम स्क्रीन के ऊपर किसी भी पी पॉइंट के ऊपर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो देखेंगे. तो उसके लिए देखिए हमारे पास जो ये आपकी ए बी फर्स्ट स्लिट है, इसके ए पॉइंट से जो आपकी लाइट वेव जा रही है, और जो सेकंड स्लिट है आपकी सी डी, इसके सी पॉइंट से अगर लाइट वेव जो जा रही है, इन दोनों के बीच में अगर हमें पाथ डिफरेंस देखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे. अब यहाँ से आपका पाथ डिफरेंस क्या आ गया, सी एफ. अब देखिए ट्राइंगल ए सी एफ में से अगर आप सी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो. आपको पता है ए सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए प्लस बी. तो यहाँ से जो पाथ डिफरेंस सी एफ आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस बी साइन थीटा. इसको हमने इक्वेशन नंबर वन पुट कर दिया. अब कोरेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस, आपको पता है कि जो फेज डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, टू पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस. तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस आपका ए प्लस बी साइन थीटा आया है, तो फेज डिफरेंस को हमने टू बीटा के इक्वल रख दिया. तो ये किसके इक्वल आएगा, टू पाई बाय लैम्डा इनटू ए प्लस बी साइन थीटा. तो ये आपका क्या आ गया, कोरेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस. इसको हमने इक्वेशन नंबर टू पुट कर दिया. अब देखिए यहाँ पे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि दो स्लिट हैं वो कम्बिनेशन है डबल स्लिट के वजह से. जो आपका डायफ्रेक्शन पैटर्न आएगा वो ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ टू सिंगल स्लिट की वजह से आएगा. और सिंगल स्लिट के लिए हमने जो पाथ डिफरेंस देखा था वो क्या देखा था, टू एल्फा इज इक्वल टू टू पाई बाय लैम्डा इंटू ए साइन थीटा. तो ये जो पाथ डिफरेंस आया है, आपका फेज डिफरेंस आया, ये किसके वजह से है, सिंगल स्लिट की वजह से. अब हम क्या देखेंगे, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y1 एंड y2 एट P ड्यू टू द रेज फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड स्लिट रिस्पेक्टिवली. तो y1 क्या हो गया आपका a साइन ओमेगा t, और y2 आपका क्या हो गया, a साइन ओमेगा t प्लस टू बीटा, टू प्लस टू बीटा, क्योंकि टू बीटा यहाँ पे क्या है, दोनों स्लिट्स के बीच में क्या है, फेज डिफरेंस. अब यहाँ पे a है, ये क्या है, वेयर a इज इक्वल टू a नोट साइन एल्फा बाई एल्फा, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ड्यू टू सिंगल स्लिट. ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो अब हमें p पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए. तो y किसके इक्वल आ गया आपका, y1 प्लस y2. y1 क्या था, a साइन ओमेगा t, y2 क्या था, a साइन ओमेगा t प्लस टू बीटा. ऐड कर दिया, ए कॉमन है, ए मैंने कॉमन ले लिया, तो साइन ओमेगा टी प्लस, अब देखिए यहाँ पे साइन ए प्लस बी. साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी. तो ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस, अब कोस टू बीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी, आपको पता है कोस स्क्वायर बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कोस टू बीटा अपॉन टू. तो वहाँ से मैंने कोस टू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो क्या होती है, टू कोस स्क्वायर बीटा माइनस वन प्लस साइन टू बीटा क्या होगा, टू साइन बीटा कोस बीटा. तो ये मैंने पुट कर दिया, टू साइन बीटा कोस बीटा, कोस ओमेगा टी आपका एज इट इज़ रहेगा. तो अब देखिए यहाँ से साइन ओमेगा टी, यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन ओमेगा टी आएगा, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टू साइन ओमेगा टी कोस स्क्वायर बीटा, ये एज इट इज़. ये साइन बीटा से साइन, सॉरी साइन ओमेगा टी से साइन ओमेगा टी आपका यहाँ पे कैंसिल होगा, और जो आपका फाइनल जो बचेगा वो क्या बचेगा, y इज इक्वल टू a इंटू टू कोस बीटा. टू कोस बीटा दोनों टर्म्स में आपका कॉमन है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया बाहर, इंटू साइन ओमेगा टी कोस बीटा प्लस कोस ओमेगा टी साइन बीटा. अब ये क्या बन गया, फिर से साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस b. तो आपका रिजल्टेंट जो आ गया y, वो क्या आ गया, टू a कोस बीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस बीटा. तो ये आपका यहाँ पे क्या है, फेज पार्ट है.
ये आपका एम्पलीट्यूड है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका क्या आ गया, 2a cos beta। अब a की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, 2a0 sin alpha by alpha into cos beta। अब आपको पता है रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के, तो यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी i किसके इक्वल आएगी, 4a0 square sin square alpha upon alpha square into cos square beta। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो पार्ट हैं, एक पार्ट तो आपका ये है और दूसरा पार्ट आपका ये है। तो देखिए ये तो पार्ट आपका किसकी वजह से आया है, ड्यू टू इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू डायफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट, है ना। और ये पार्ट जो आपका आया है सेकंड पार्ट कोस स्क्वायर बीटा, ये किसकी वजह से आया है, कोस स्क्वायर बीटा विच गिव्स इंटरफेरेंस फ्रिंजिज ड्यू टू सुपरइम्पोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ टू स्लिट्स। तो आपके पास दो पार्ट आ गए आपके, बारी बारी हम इन दोनों पार्ट्स के लिए मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन के लिए हम देख लेते हैं। तो आपको पता है ए क्या होगा, ए नोट साइन एल्फा बाई एल्फा, तो ए की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब एल्फा की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, और एल्फा की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है आपकी, जीरो, है ना। तो जब एल्फा टेंड्स टू जीरो इट मीन्स क्या है, थीटा टेंड्स बी टू क्या होगा, जीरो। जब आप अल्फा की वैल्यू पुट करोगे तो 0/0 की फॉर्म बनेगी, तो हम वहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो हमारे पास लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 साइन अल्फा बाई अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। जब यहाँ पे हम ये वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए नोट, तो और इंटेंसिटी आपकी क्या आएगी, ए नोट का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन के लिए जो आपकी इंटेंसिटी आई है सेंट्रल इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, वो क्या आ गई, ए नोट स्क्वायर, ठीक है। अब ए मिनिमम कब होगा, ए मिनिमम कब होगा, जब साइन अल्फा की वैल्यू जीरो होगी, और साइन अल्फा की वैल्यू जीरो कब होती है, अल्फा इज इक्वल टू जीरो, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, क्योंकि साइन पाई टू पाई थ्री पाई हर किसी पे जीरो होता है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 1, 2, 3 है, लेकिन एन की वैल्यू जीरो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एन की वैल्यू जीरो किसके लिए है, कोरिस्पोंडिंग टू सेंट्रल मैक्सिमा। अब पोजीशन ऑफ मिनिमा, मिनिमा की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, फेज डिफरेंस के लिए जो हमने फॉर्मूला यूज किया था वहाँ पे जब आप पुट करोगे तो वहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा है उसको हमने यहाँ पे थीटा पुट कर लिया, क्योंकि थीटा क्या है हमारे पास, बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस लैम्डा बाई ए प्लस माइनस टू लैम्डा बाई ए, तो ये किसकी पोजीशन आ गई आपकी, ये आपकी मिनिमा की पोजीशन आ गई। अब हमने सेंट्रल मैक्सिमा फाइंड आउट कर लिया है, अब हम सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए बात करेंगे। तो सेकेंडरी मैक्सिमा जब आप देखोगे तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए थीटा की वैल्यू आएगी आपकी प्लस माइनस 3λ/2a प्लस माइनस 5λ/2 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी n की वैल्यू जीरो नहीं पुट करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि हमारे पास 0, 3λ/2a माइनस 3λ/2 इन पे सभी पे क्या आ रहा है, आपका मैक्सिमा आ रहा है, और λ/a माइनस λ/a λ/2a इन सभी पे आपका क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है। तो ये तो आपकी इंटेंसिटी आ गई सिंगल स्लिट के लिए, है ना, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन जो हमने देखा था उसके लिए इंटेंसिटी आ गई। हाँ, अब यहाँ पे हम इंटरफेरेंस फ्रिंजिज की बात करेंगे, है ना। तो इंटरफेरेंस फ्रिंजिज के लिए हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, कोस स्क्वायर बीटा। तो देखिए कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, कोस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 1 पे होती है, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, प्लस माइनस एन पाई। यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ गई, 0, 1, 2, 3। तो आप क्या देख रहे हो कि सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन में भी एन इज इक्वल टू जीरो के ऊपर आपको क्या मिल रहा था, सेंट्रल मैक्सिमा, और यहाँ पे भी आपको एन इज इक्वल टू जीरो के लिए क्या मिल रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा। तो इसका मतलब क्या है, डबल के लिए सिंगल के लिए दोनों के लिए n इज इक्वल टू जीरो पे आपका क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा होगा। तो यहाँ पे आप पोजीशन फाइंड आउट करोगे तो थीटा की वैल्यू 0λ/a+b+-2λ/a+ सभी पे आपका क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। अब हम बात करेंगे मिनिमा की, कि हमारे जो इंटरफेरेंस फ्रिंजिज हैं इनके लिए मिनिमा की वैल्यू क्या होगी। तो अब क्योंकि यहाँ पे मिनिमा इंटरफेरेंस फ्रिंजिज के लिए मिनिमा कोस स्क्वायर बीटा मिनिमम कब होगा, जीरो के ऊपर, कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू मिनिमम कब क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ से आपकी बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n+1π/2, और यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे फेज डिफरेंस वाले फॉर्मूले में, तो थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी,
सिंपल, प्लस माइनस टू एन प्लस वन लैम्डा अपॉन टू इंटू ए प्लस बी। तो कोरिस्पोंडिंग वैल्यू क्या आएगी आपकी मिनिमाज की, थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा अपॉन टू ए इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस थ्री लैम्डा अपॉन टू ए प्लस बी एंड सो ऑन। तो यहाँ से जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमें जीरो के ऊपर भी आपका क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है, और लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा अपॉन टू इंटू ए प्लस बी पे हमें क्या मिल रहा था, मिनिमा मिल रहा था, इस यहाँ पे हमें फिर से मैक्सिमा मिल रहा है। तो जब इन दोनों ग्राफ को हम एक ग्राफ में देखते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जब हम देखते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो इस टाइप की आती है। यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी है रिजल्टेंट, इधर आपका थीटा है। तो यहाँ पे देखिए जीरो के ऊपर आपका मैक्सिमा आ रहा है दोनों के लिए, है ना, जीरो के ऊपर आपका मैक्सिमा है लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई ए और माइनस लैम्डा बाई ए, इन यहाँ पे क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है किसके कोरिस्पोंडिंग, सिंगल स्लिट के कोरिस्पोंडिंग। और यहाँ पे आपका मिनिमा जो है वो आ रहा है वो किसके कोरिस्पोंडिंग आ रहा है, वो डबल स्लिट की वजह से आ रहा है, इंटरफेरेंस फ्रिंजिज जो हमने डिस्कस करे हैं उसकी वजह से आ रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डबल स्लिट डायफ्रैक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।